सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को खोराबार ब्लॉक के छितौना गांव में चौपाल लगाया, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि छितौना गांव में चौपाल लगाया गया था। चौपाल में मुख्य शिकायत आई जो 300 मीटर रास्ते की शिकायत आई थी, जिसके निस्तारण के लिए आरआई को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा अगले 10 दिनों में निरीक्षण करके रोड का कार्य शुरू कराया जाएगा। इसके अलावा कृषि विभाग, समाज कल्याण विभाग और राशन कोटेदार व अन्य विभागों के कार्यों की जांच की गई। चौपाल में जो भी शिकायतें आई उसका निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि किसी भी विभाग से किसी प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया, क्योंकि गांव में पहले से प्रधान सचिव के साथ पूरी टीम एक्टिव है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, और परफॉर्मेंस ग्रांट के जो बाकी बचे हुए कार्य हैं, इसी तरह जैसे आपने गुणवत्तापूर्ण पहले काम किया है उससे भी बढ़िया कराते हुए एक नाजीर पूरा करिए स्थापित, ताकि हम लोग आने वाले समय में किसी भी माननीय जनप्रतिनिधि का अगर दौरा लगता है, कोई चौपाल लगती है, तो हम आपके गांव में लाएँ और यहाँ पे लगाएं। चौपालें हुई है सबसे, मैं कह रहा हूँ कि लाइवली जो सबसे जीवंत चौपाल यही मुझे छितौना की लगी है, और उसका कारण है प्रमोद जी। और इसके साथ प्रधान जी का धन्यवाद, प्रधान जी ने जो यहाँ पे काम किया है वो काबिले तारीफ है, उसकी चर्चा जब से चौपाल लगाया गया। हाँ, मैंने मेरे द्वारा छितौना में खोराबार में चौपाल लगाया गया है। इसमें जो गांव है वो काफ़ी उसमें अच्छा काम हुआ है, और गांव में परफॉर्मेंस ग्रांट का भी फंड आया है, और जो जितने भी परफॉर्मेंस ग्रांट के कार्य थे वो सब पढ़ के सुनाए गए हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर जो मुख्य शिकायतें आई है चौपाल के दौरान, वो एक रास्ते की थी 300 मीटर के रास्ते की, जिसको मेरे द्वारा आरआई को निर्देशित किया गया है कि अगले 10 दिन में उसका चिन्हांकन करके वहाँ पर जो RCC रोड का पैसा सैंक्शन हुआ है उसको कार्य शुरू कराते हुए पूर्ण कराना है। और इसके अलावा जो हमारे बाकी विभाग है, कृषि विभाग है, समाज कल्याण है, और हमारे जो राशन के लिए जो वहाँ पे कोटेदार है, इन सारों का जो हमने वहाँ पे एक जांच की है, और जो भी एक या दो शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं उन सब का निस्तारण वहीं किया गया है। और ऐसे गांव में कोई मेजर कंप्लेंट नहीं दी गई है। कूड़े की व्यवस्था वहाँ पे के लिए हम लोग MRF सेंटर का वहाँ पे एक प्रावधान किया गया है, जिसपे कार्य अभी एक दो दिन में शुरू हो जाएगा, टेंडर उसका ओपन हो चुका है। पंचायत भवन पे भी कार्य शुरू हो चुका है वहाँ पे, और जो बाकी डेवलपमेंट के कार्य हैं वो अभी जैसे ही उसका L1 प्राप्त होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। सर, ज़्यादा मामले किस विभाग में? कोई भी विभाग का वहाँ एज सच मामला नहीं था, क्योंकि गांव जो है पहले भी अम्बेडकर गांव रह चुका है। इसके साथ साथ गांव में जो प्रधान है और वहाँ पे जो टीम है, सचिव हैं या बाकी ब्लॉक की टीम है, बहुत एक्टिव है, उनके द्वारा पहले ही 2-3 दिन से लगातार काम हो रहा था, तो इसलिए कोई ज़्यादा मामले संज्ञान में नहीं है। सर, कितना निस्तारण किया गया मामले का? वहाँ पे जो मुझे हुई थी, जो मेजर मैंने बताया 300 मीटर रास्ते का था, जिसमें तकरीबन 100 परिवार हैं जो प्रभावित है, उसके लिए हमें 10 दिन चाहिए। हम 10 दिन में उसको करके राजस्व विभाग के मिलके वो रास्ता बनवा देंगे।